ये बेल क्यों नहीं बज रहे? यामिनी! इतना अंधेरा क्यों है? यामिनी! 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 मुझसे शादी के लिए हाँ बोल, वरना मैं तेरा खून पी लूंगा। जी सैम, are you crazy? Surprise! It's your birthday, baby. इसीलिए हमने ये surprise plan किया तुम्हारे लिए। ऐसे कोई surprise plan करता है? जान निकल गई थी मेरी। अच्छा तो कोई बात ही नहीं। यामिनी, तू तो कहती थी कि तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, और मुझे देख के तू ऐसे भागी है ना? अरे वो तू मेरे पीछे थी और फिर आगे कैसे आ गई? ऐसे पूछा? तूने पहले मुझे देखा और डर के भागी, और यामिनी जो छिपके बैठी थी तेरे सामने आ गई। गाइस, इट्स माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। रियल लाइफ चुड़ैल तो मैं ही हूँ। वो तो तू डेफिनेटली है। ये सब प्लान जो किया तूने सैम के साथ मिलके। वैसे गाइस, ये चुड़ैल ठीक है, ये वैम्पायर ठीक है, पर वो काला कुत्ता कहाँ से पकड़ के लेके आए? काला कुत्ता? हाँ, पर हमने कोई काला कुत्ता प्लान नहीं किया था। व्हाट? मैं एक बेचारे कुत्ते पे गिर गई थी और इतनी डर गई थी कि मैंने पीछे मुड़के देखा भी नहीं। शायद उसे चोट तो नहीं लग गई होगी। मैं अभी देख के आता हूँ। अभी कहाँ जा रही अकेले? वो भी, अरे कोई दूसरा भूत मिल गया तो? बेचारा डॉगी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ हाँ, ये दिखता तो बड़ा क्यूट है, है ना? लगता है किसी का पालतू कुत्ता है। ये देखो ना, इसकी गले में एक खंजर का लॉकेट भी है। गुड ऑब्जर्वेशन, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अपने मालिक को छोड़ के तुम्हें डराने के लिए हमारे साथ कैसे शामिल हो गया? और अब ये हमारे ग्रुप में भी शामिल है। शामिल मतलब? तुम उसको कहीं घर तो लेके नहीं आ रही हो ना? आज सो जाओ। अब खेल शुरू होगा।
दर्द हो रहा है। ये डॉगी ने क्या कर दिया? क्या हुआ? ये क्या कर दिया? इस पागल कुत्ते ने ना सारे धागे उलझा दिए। पागल कुत्ता नहीं, प्यारा कुत्ता। देखो ना कितना कलरफुल लग रहा है ये रंगीले धागों में लिपटा हुआ। कलरफुल नहीं, हॉरेबल लग रहा है। डरावना काला कुत्ता। कोई डरावना वराना नहीं लग रहा, एकदम रंगीला लग रहा है। एक मिनट, क्यों ना हम इसका नाम रंगीला ही रख दे। हाँ, परफेक्ट बेबी, आज से आपका नाम रंगीला। ओके, इसमें लगी रहोगी या काम पे भी चलोगी? अरे यार हाँ, वो आदिवासियों की ड्रेसेस के रेफरेंसेस भी तो निकाल ले, मेरा लैपटॉप का है। बाय बेबी, स्लीपर। पटेल जी, आपने वो फैब्रिक का ऑर्डर दे दिया था ना? जी मैडम, दे दिया है, परसों तक आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। परसों तक नहीं चलेगा, मुझे कल तक करवा के दीजिए। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ, क्या हुआ कांक्षा? अरे यार, वो इंटरनेशनल कंपनी का कंसाइनमेंट अगले हफ्ते तक रेडी करना था और मेरे पास अच्छे ज्वेलरी के डिजाइन ही नहीं है, मिल ही नहीं रहे यार। रंगीला तेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया है। पिछले जन्म का आशिक जो है मेरा। रंगीला, क्या खोद रहा है ये? ये तो पुराने जमाने की रिंग लग रही है। इस पे कुछ लिखा है, शायद पाली में। प्रेमा लोहिता अथी, प्रेम रक्त है। तुझे पाली पढ़नी आती है? नहीं, मैंने तो कभी पाली नहीं पढ़ी और ना ही मैंने कभी पाली सीखी है। ये रिंग रंगीला ने कैसे ढूंढी? हमारे पुरखों की मुद्रिका है। अब यही मुद्रिका निर्णय लेगी कि तुम दोनों में से मेरा जीवन साथी कौन बनेगा। इस घड़े के बहते हुए पानी के समाप्त होने से पहले तुम दोनों को इस मुद्रिका को ढूंढना होगा और ये मुद्रिका को ढूंढने का समय शुरू होता है अब। तुम मेरी हो। कहाँ खो गए मैडम? सैम, सैम, मैंने अभी तुम्हें देखा। हाँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो मुझे ही देखोगी ना? नहीं सैम, मैं कल रात से हम दोनों को देख रही हूँ। हमने आदिवासियों के कपड़े पहने हुए थे। कितना रिसर्च करी तुम आदिवासी पे कि तुम्हें हर जगह आदिवासी नजर आ रहे? मैं सच कह रही हूँ, कल रात मैंने देखा
कि हम दोनों मरे हुए थे और फिर आज सुबह देखा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी थी और तुम कीचड़ में कूद गए। अरे तुमसे शादी करने के लिए तो मैं कीचड़ में क्या, आग में भी कूद जाऊंगा। सैम, अरे आई एम नॉट किडिंग। पता है मैंने ये अंगूठी कीचड़ में डाली और तुम और एक और आदमी उसे कीचड़ में ढूंढ रहे थे और मैं वो दूसरे आदमी को बिल्कुल नहीं पहचानती। हाँ, और तुम्हें पता है ये जो अंगूठी है ना, ये रंगीला ने ढूंढ के दी। कहीं ये कुत्ता ही तो तुम्हारे बुरे सपनों की वजह तो नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम यामिनी? मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों ना इसको कहीं छोड़ दो। रंगीला, रंगीला! शांत 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 शांत। यामिनी सही कह रही है, खतरनाक है, ये पागल हो गया। इंसानों की तरह जानवर भी प्यार के ही भूखे होते हैं। तुम लोगों ने इसे नफरत दी तो ये भी तुम्हें नफरत दे रहा है और मुझे देखो कितना प्यार कर रहा है। इस पे ना ये कुत्ते का भूत सवार है, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये फर्स्ट एड कहां पे? रंगीला, रुक जाओ रंगीला, रंगीला। आप कौन है? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा हरिणी। हरिणी कौन? मैं आकांक्षा हूं। वो कुत्ता मेरे पास आ रहा है, बस कुछ ही मिनटों में उसका खेल खत्म। की आत्माओं, रक्त मिलाप के इस शुभ अवसर पर आपका स्वागत। सामी और हरणी, इन दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। अब तो पुरखों ने भी हमारे संगम के लिए अनुमति दे दी।
पुरखों की अनुमति से बड़ा कुछ नहीं है सामी। अच्छा, और मेरा प्रेम कुछ नहीं सामी? हरिणी सामी, हरिणी अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हे पुरखों की आत्मा, इनका रक्त मिलाप स्वीकार करे। और अचानक से ना हमारी शादी रुक गई। ऐसा है आकांक्षा कि तुम ना आजकल हमारी शादी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, विच इज गुड। इसीलिए तुम्हें ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, ऐसे ख्याल आ रहे हैं। I'm telling you, कोई ना कोई तो बहुत बड़ा राज है जो धीरे धीरे करके मेरे सामने आ रहा है। और न जाने वो लड़का कौन है जो मेरे सपने में वापस से आया था। Sam, I'm very confused. मुझे लगता है ना कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। रंगीला, अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सब बातें लेकर हम बैठ जाएंगे ना, तो फिर हम जो अपना कंसाइनमेंट है अगले हफ्ते जो देना है, वो आदिवासी ज्वेलरी और कपड़ों का, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जल्दी चलो, 8 घंटे का ड्राइव। ड्राइव हम कहाँ जा रहे हैं? एक आदिवासी गांव है, वहां पे जा रहे हैं हम। पर अचानक से? नहीं, अचानक का मतलब ओके, वहां पे आज बहुत बड़ा महोत्सव है क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है, तो अच्छा मौका है रिसर्च करने। ओके, और मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि कांक्षा जहाँ भी जाती है ये कुत्ता उसके साथ ही पहुँच जाता है। यामिनी, इसका नाम रंगीला है, और क्या दुश्मनी है तुम्हारी इस बेचारे से? पर यामिनी, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम हमारे साथ नहीं आ रही क्योंकि तुम यहाँ रंगीले के साथ रहने वाली हो। मैं क्यों रुकूंगी इसके पास? सैम, तुम्हें तो पता है ना, इसने तुम्हारे हाथ पे काटा था। मेरा तो पता ही नहीं क्या हाल करेगा। यार हम वहाँ गाँव जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, हमें बहुत सारा काम करना है, और आकांक्षा के साथ अगर रंगीला आएगा तो आकांक्षा का पूरा ध्यान रंगीले के साथ रहेगा और हम काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं सैम, हम लेके चल देना रंगीला को प्लीज। तो तुम्हारी बात मैंने कभी टाली नहीं है, प्लीज मेरी बात मान लो, हमें काम करना है, जस्ट बी सीरियस अबाउट इट। ओके, तो तुम डरो मत ना। एक काम करता हूँ, मैं रंगीले को यहाँ बंद कर देता हूँ इस कमरे में, ठीक है, और उसके बाद तुम बाहर से ध्यान रख लेना। अच्छा जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी चलो चलो स्लोली। पटेल ना, आप गांव पहुंच गए ना? हाँ, हम भी पहुंच रहे हैं, चलिए वहीं मिलते हैं। ओके, हम आदिवासी गांव जा रहे हैं और साथ में ये बिल्कुल आदिवासी वाला गाना भी बज रहा है। सैम, क्या हम सच में पिछले जन्म के प्रेमी होंगे और वो आदिवासी औरत उसने हमें मिलने नहीं दिया होगा, फिर हम मर गए होंगे? सैम, हमें किसने मारा होगा? तुम्हें भी लगता है ना जो मुझे लगता है कि हम जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं, तो क्यों नहीं हाँ बोल देती मुझे शादी के लिए? मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद वो साथ फेरे ले लेंगे, तो 7 जन्मों के लिए साथ में रहेंगे। बस तुम्हें हाँ कहना है, और मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज 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 मान जाओ, सिर्फ छोटा सा एच ए हाँ, छोटा सा शब्द, एक बार हाँ बोल दिया ना। हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाओ, यस।
है भाई। आकांक्षा फोन उठाओ प्लीज। यामिनी का कॉल। हेलो यामिनी। हेलो हेलो आकांक्षा, तेरा कुत्ता क्या हुआ रंगीला को? तूने उसे कमरे से बाहर तो नहीं निकाला ना? तेरा कुत्ता खुद बाहर आ गया है। वो आदमी बन गया है। क्या तू पागल तो नहीं हो गई है? यामिनी यामिनी उन कुत्ता बन गया है। हरिणी सिर्फ मेरी। यामिनी कट गया? दोबारा कॉल कर लो। हाँ। कॉल नहीं लग रहा है। और लगेगा भी नहीं, मुझे मालूम था। क्यों? क्योंकि तुम बहुत भोली हो आकांक्षा। यामिनी चाहती कि तुम वापस आ जाओ और उसे रंगीला को नहीं संभालना पड़े। आई मीन सोचो, छोटी सी बात है, ये इंसान कुत्ता बन सकता? कुत्ता कैसे इंसान बन सकता है? सैम, वो सीरियस साउंड कर रही थी। अच्छा, वैसे सीरियस मैं भी हूँ। हमारे बारे में? हमारे बारे में मतलब? हम आदिवासी गांव जा रहे हैं ना। हाँ। तो वहाँ की एक प्रथा है, और आज पूर्णिमा की रात है, तो आज का जो मुहूर्त है बहुत शुभ है। आज की रात ना कबीले के सारे लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से शादी करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो क्यों ना, मतलब आज का दिन भी इतना शुभ है, मुहूर्त भी बहुत अच्छा है और प्रथा भी है वहाँ पे, तो क्यों ना हम भी एक दूसरे से शादी कर लें आज। हाँ अरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। पटेल अन्ना है ना वहाँ पे, वो संभाल लेंगे, उनको मैं कॉल कर लूंगा, वो सब अरेंज कर देंगे। ठीक है, बस तुम्हें हाँ करनी है। जैसे तुमने अभी शादी के लिए हाँ बोल दी तो बात पक्की हो गई ना, हम शादी करके बात नक्की भी कर लेते हैं। और रही ग्रैंड वेडिंग की, वो हम बाद में कर लेंगे ना, बाद में फैमिली के साथ। हाँ बोल दो प्लीज। हाँ पक्की। आज पूर्णमासी, अवश्य ही सामी ने हरिणी से विवाह करने की योजना बनाई होगी। नहीं, विवाह नहीं होने दूंगा जो मैं, नहीं होने दूंगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज जो ये आदिवासियों का महोत्सव हो रहा है ना, इसमें सिर्फ रिसर्च करने हम नहीं आए हैं, बल्कि इसमें हम शामिल होने भी हैं। क्या मतलब? मतलब मैं आपको समझाता हूँ, आइए, बहुत तैयारी करनी है। Thank you.
इसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें कैसे पता? देखो सामी हरिणी और ये किसका नाम है? पता नहीं, दिख ही नहीं रहा है। भुवन। हाँ, ये तो भुवन है। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे भुवन लिखा है? मुझे सब पता है। मतलब कि पिछले जन्म में हम दोनों प्रेमी थे, यहीं पले यहीं बड़े हुए, हम यहीं जन्मे थे। तो पहले बताया क्यों नहीं? देखो आकांक्षा, तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब चाहती हो तो मेरे साथ। पर सैम, ये भुवन मेरे साथ आओ। सैम, सैम मुझे अभी जाना है। सैम, यहाँ तो हमारी शादी होने वाली थी। हे पुरखों की आत्मा, इनका रक्त मिलाप स्वीकार करे। किसने किया ये दुस्साहस? मैंने। पुरखों की आत्माओं का अपमान किया है तुमने। मैंने कोई अपमान नहीं किया ओझा भाई। एक बार आगे बढ़ के देखिए, आपको पुरखों के चरणों में ही सत्य मिलेगा। ये वो असली मुद्रिका है जो मुझे उस दलदल में मिली थी। असत्य अभी पता चल जाएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। हरिणी, ये वही मुद्रिका है जो सामी ने हरिणी को पहनाई। यदि ये मुद्रिका छद्म है तो ये अग्नि में भस्म हो जाएगी। सामी ऐसा नहीं कर सकता। सामी, सामी, अब वो दूसरी मुद्रिका हो जाए। यदि ये मुद्रिका सच्ची है तो ये अग्नि में चमक उठेगी। सामी ने हम सबको ठगा है। पुरखों की आत्माओं ने भुवन और हरिणी का साथ चुना है। तो हमारा रक्त मिलाप करा दीजिए ओझा भाई। भुवन, ये व्यवस्था मैंने सामी के विवाह के लिए की थी। मुझे इस जगह को शुद्ध करना होगा। तुम दोनों का विवाह तीसरे प्रहर होगा। ठीक है, तब तक मैं हम दोनों के लिए नई पोशाकें ले आता हूं। तू यही रुकना। और तब तक मैं सामी से जाके पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। सखा था तू मेरा। मैं तेरा सखा नहीं,
प्रेमी हूं मैं तेरा, तू मेरा उन्माद है, पागलपन है। तेरे लिए मैं पुरखों की आत्मा को तो क्या मैं तुझे भी ठग सकता हूं। तू प्रेम में अंधा नहीं था सामी, बल्कि मैं तुझ में मूर्ख न थी। भुवन ने मुझे कितनी बार चेताया कि तेरा मन काला है काला, मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और तू, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू बस मुझे प्राप्त करना चाहता है। और मैं कोई वस्तु नहीं हूँ कि तू जैसा मुझे प्राप्त कर सके। ठीक, अगर मैं तुझे प्राप्त नहीं कर सकता तो तुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, भुवन तो कभी नहीं। ये तेरा भ्रम है, क्योंकि अब मैं भुवन की होके रहूंगी, उसकी जीवन संगनी बन के रहूंगी। तुझे पता भी नहीं तू कहां खड़ी है। सामी, तूने मेरे लिए मंडल रचा। मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, रक्त मिलाप तो होकर रहेगा इस जन्म में और हर जन्म के लिए। मैंने तुम्हें मार दिया था और हर उस जन्म में मारूंगा जिसमें तुम मेरी नहीं हो पाओगी। मतलब आकांक्षा नीचे देखो, ये मेरा बनाया हुआ मंडल है। फिर से इससे तुम अब बाहर जा नहीं सकती और इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। पिछले जन्म का सब कुछ याद था कैसे समीर? क्योंकि तुम्हारी माँ ओझा माई का शिष्य था मैं। अरे जन्म जन्म की यादों पे पहरा है मेरा, सब कुछ याद था, तुम्हें कुछ भी नहीं। और तुमसे मैं शादी भी कर लेता, तुम्हें कुछ याद नहीं आता, लेकिन वो कुत्ता तुम्हारी जिंदगी में आ गया। वो कुत्ता, उसने क्या किया? इन सब बातों के लिए बहुत देर हो गई है। समीर, समीर, समीर! भूल गया तो सामी, गुरु अपने सारे गुण शिष्य को कभी नहीं सिखाता। इस बार मैं अपनी बेटी की हत्या तुझे नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। इसके अंदर कोई इंसान प्रवेश नहीं कर सकता, ना कोई बाहर जा सकता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? सच कह रही थी।
इंसान प्रवेश नहीं कर सकता सामने, लेकिन कुत्ता तो कर सकता है ना। भुवन, तुम रंगीला बन के आए थे? हाँ हरिणी, तेरा भुवन। सामी ने तेरी जान ले ली थी। मैं खुद को मारने ही वाला था कि सामी ने मेरी बेटी हरिणी की हत्या कर दी, लेकिन तुम क्यों अपने प्राणों की आहुति देकर पुनर्जन्म लेना चाहते हो? हरिणी को उस राक्षस से बचाने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना होगा। ओझामा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। बस मुझे इतना बताओ कि सामी को पहचानूंगा कैसे? श्वान एक श्वानी है जो सबसे पहले बुरी आत्माओं को भापता है। तुम अगले जन्म में कुत्ता बनोगे और मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तुम जब चाहो मनुष्य से कुत्ता और कुत्ते से मनुष्य बन सकते हो, तुम्हारी मर्जी से। अपना हाथ दो। माई की सहायता से मैं तुम दोनों का पीछा करते हुए इस जन्म तक आया हूं। अरे मुझे लगा तू एक कुत्ता है जिसके अंदर भुवन की आत्मा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इंसान में तब्दील हो सकता है। वाह, गलती कर दी मैंने। अरे हल्के में लिया तुझे, मैंने एक आदमी भेजा था तुझे मारने के लिए। खैर कोई बात नहीं, अब ये आ गया है यहां पे तो मैं तुझे मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। पिछले जन्म में तो हरिणी को नहीं बचा पाया सामी, लेकिन इस जन्म में आकांक्षा को कुछ नहीं होने दूंगा। तुझ जैसा तुझ प्राणी मुझ जैसे तांत्रिक को कैसे मारेगा? मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा प्रेम लड़ेगा। प्रेम ताकत है, प्रेम रक्त है। ले ले अपने पिछले जन्म का बदला। किसी की भी नहीं।